क्या नाम है आपका? हरेंद्र यादव। कहाँ घर है, क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन लगती है आपकी? रामपुर घर है, हमारी लड़की के साथ हुआ है। क्या हुआ है? हम लोग गोली की आवाज़ सुने तो दौड़ करके गए तो देखो तो मानते नहीं कि हमारी औरत छटका रही थी, बोले कि इसी तरह से भागे हैं, इसी तरह से भागे हैं, हमारी लड़की हो जो गिर गई है बीच आंगन में। कितने बजे की घटना है? 3:45 की घटना है। कहाँ ये गोली मारी गई है, कहाँ लगी है, क्या लगता है किससे रंजिश है आपकी, कोई विवाद वगैरह? किसी से रंजिश नहीं थी। कितने लोग थे, कहाँ गोली मारी? 3 लोग थे और पीछे से खिड़की खोल करके भाग गए। कहाँ गोली मारी गई है, घर में? बीच आंगन में मारी गई है। बच्चे क्या कर रहे थे? वो फूल पोतने के लिए गई थी और पीछे मुड़ करके ताकि तो तीनों लोग उसी आंगन में थे, वो चीन गई है, उसी से वो लोग गोली मार करके और फरार हो गए। उसकी माँ छत पर बैठी है, ठेहुन मल रही है, उसका एक छोटा भाई है, पेशाब कर करके और पढ़ने के लिए छत पर आया है, तब तक वो गोली मार करके फरार हो गए। उसकी माँ बोली कि अरे इसी तरह भागे हैं, इसी तरह से भागे हैं, अभी भी जा रहे हैं। हम केवाड़ी धक्का मार करके और दौड़ कर गए तो चिल्ला रही थी, अरे भाग गए, हम आवाज़ सुने गोली की। तो सामने के गेट से भागे या पीछे के गेट? पीछे के गेट से भागे हैं। लेकिन ये बताइए कि किसी से पहले भी आपका विवाद, किसी मामले को लेकर विवाद, किसी से झगड़ा या कभी जमीन का कुछ नहीं हमको मालूम है सर, किसी प्रकार की कोई रंजिश? लड़की कहाँ पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी? वो बीए कर करके छोड़ दी थी पढ़ाई। उसकी शादी मंदिर रख दिए हैं हम फरवरी में। पुलिस का भाई कैसे सूचना दिया? पुलिस को सूचना दिए तो पुलिस तुरंत आई। बलहार एसपी साहब ने मौके पर आए आपसे पूछे उसे क्या? हाँ, हमसे पूछे हैं, मौके पर आए पूछे क्या लगता है। अब क्या लगता है, पुलिस मौके पर आई मदद कर रही है, क्या लगता है न्याय कब होगा? देखिए क्या कर रहे हैं, गाय पूछे ताछे उसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप लोगों की तरफ से कोई तहरीर दिया गया है पुलिस को? हाँ, ये घटना हुई है तो पूरा परिवार कहाँ था? एक बच्ची जब आंगन में थी तो पूरा परिवार कहाँ? हमारी औरत, हमारे लड़के और हमारी एक भौई है, उस छत पर सोई थी, उसी छत पर, और हम उस करकट में हम सोए थे। जब आवाज़ आई तो हम दौड़ करके गए, हम समझे कि ना जी कोई गिर गया छत पर से। अच्छा, तब आपको पता लगा? हाँ, हमको पता लगा। तब तीनों लोग के हाथ में मतलब रिवॉल्वर था कि क्या था? हम कौन सा कुछ नहीं देखे हैं, लेकिन गोली मार करके गए हैं ये देखे हैं हम। अच्छा, कहाँ मारे हैं गोली लोग? गोली मारे हैं सिर पर। अच्छा, सिर पर मारे हैं। आवाज़ सुनाई दी गोली? हाँ, गोली की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। आज किस तरह का मामला है सर, मौके पर आए हैं, क्या है सर? यहाँ रामपुर चित गांव में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, नाम गुड़िया है, उसको गोली लग गई है, जिसको सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल सभी अधिकारियाँ मौके पर आए हैं और घर वालों का कहना है कि ये लड़की जहाँ सोई थी वहाँ से बाहर आंगन की तरफ थी, जहाँ पर अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनी और इस पर उनकी माँ और उनका भाई जो छत पे थे वो लोग नीचे आए, तब तक उन्होंने 3 लोगों को पीछे के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा है। इस पर तहरीर दी गई है पिता के द्वारा और इस पर अभी पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। इस पर 3 टीमें लगाई गई हैं, हमारी एस ओ जी की टीम भी लगी है, सर्विलांस की भी टीम है और साथ में फील्ड यूनिट भी यहाँ अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करते हुए सही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कहाँ गोली मारी गई थी सर और कैसे भागे परिवार वालों को? ऐसा बताया होता है कि उनके घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलना होता है और गोली पोस्टमार्टम से
किया थोड़ा सा कि यहाँ से ये लोग तत्काल उसको हॉस्पिटल ले चले गए थे, यहाँ पंचायत में कार्य किया। अभी घर में घुस के मारे हैं क्या बदमाश वगैरह, यही चीज़ें अब साफ होगी कि उनका आने का रास्ता क्या था और क्या मकसद था। अभी तक कभी प्रथम दृष्टा की रंजिश की बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन जनता से छानबीन होगी और वो सही होता। कितने लोग बताए जा रहे हैं? तीन व्यक्ति बता रहे हैं, तीन लोग बता रहा हूँ। इसका वावरण शीघ्र किया जा रहा है, सही है।